चोटिल शमी को देखने घर पहुंची हसीन, जहां शमी ने कहा अब सीधे कोर्ट में देखना। कभी हसीन जहां से सुलह की बात कर रहे मोहम्मद शमी ने अब लगता है कि उनसे अलग होने का मन बना लिया है। शायद यही वजह रही कि आज हसीन जहां उनसे मिलने जब उनके घर पहुंची तो शमी ने उन्हें कोर्ट में मिलने की बात कह दी। मुलाकात के बाद बाहर आई हसीन जहां ने मीडिया को बताया, मुझे खबर मिली थी एक सड़क हादसे में शमी चोटिल हुए हैं, इसलिए मैं उन्हें देखने आई थी, लेकिन शमी ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि तुमसे अब सीधे कोर्ट में मिलेंगे, हसीन से नहीं, लेकिन बेटी से मिले शमी। इस बीच मीडिया में इनकी मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ दिख रहा है अपनी बेटी के साथ पहुंची हसीन जहां के पास शमी आते हैं, लेकिन वो उनसे मिलने की बजाय बेटी को गोद में लेकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। बेटी से कुछ देर मुलाकात के शमी उसे वापस हसीन जहां के पास छोड़ देते हैं। इस दौरान शमी की मां भी उनके साथ रहती हैं। शमी का मां बनी बॉडीगार्ड। बेटी से मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर हसीन जहां ने कहा हाँ वो मिले और बेटी के साथ कुछ देर खुले भी, लेकिन उन्होंने मेरे को पहचाने से भी इनकार कर दिया। उस समय शमी की मां भी वहीं मौजूद थी और वो वहां शमी के बॉडीगार्ड जैसा व्यवहार कर रही थी। शमी के सिर में लगे 10 टांके। बता दें कि हाल ही में मोहम्मद शमी का देहरादून से दिल्ली वापस आते समय एक्सीडेंट हो गया था। शमी की कार एक ट्रक से टकरा गई थी। इस हादसे में शमी के सिर में काफी चोट आई है। डॉक्टरों ने बताया कि शमी के सिर में 10 टांके लगे हैं। शमी के हादसे की खबर सुनने के बाद ही हसीन जहां ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनके बीच चाहे जैसी लड़ाई हो, लेकिन मैं शमी को शारीरिक रूप से कष्ट में नहीं देख सकती, मैं उनसे मिलने जाऊंगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।